मीन राशि, वर्ष 2024 में किस महीने में आपको गर्भ धारण होगा और किस उपाय के करने से आपको संतान का लाभ प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए और साथ में एक उपाय भी आपको बताने वाला हूं, जिस उपाय को करने से आपको शीघ्र संतान का लाभ प्राप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप पहली बार चैनल पर आए हैं और ऐसे ही संतान राशिफल और ज्योतिष संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीन राशि, राशि चक्र की 12वें नंबर की राशि होती है और राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति। वर्ष 2024 में ग्रह और गोचर के अनुसार मीन राशि वाली जो महिलाएं हैं उन्हें संतान का योग बहुत ही अच्छा और योगकारी बन रहा है और यह योग निश्चित रूप से आपको संतान का सुख देने वाला है। अगर बहुत लंबे समय से संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही है और संतान के लिए परेशान हो रहे हैं तो चिंता अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये योग आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं और आपको संतान का सुख जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम आपके संतान योग के उस महत्वपूर्ण समय के विषय में, जिस महीने में आपको गर्भधारण होने का योग नजर आ रहा है और उस समय आपको क्या उपाय करने हैं, वह भी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मीन राशि वाली जो महिलाएं हैं वह अपनी जन्म कुंडली के पंचम भाव अर्थात संतान के भाव के ग्रह के हिसाब से किसी विद्वान ज्योतिषी से इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लें कि उनकी कुंडली में आखिर संतान योग कैसा है, कहीं कोई अवरोधक योग तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि संतान ही नहीं होगी, या कोई वंध्या योग तो नहीं है। अगर ऐसा योग है तो उस योग का निवारण जरूर करवा लीजिएगा। साथ में अगर आप अपने संतान योग के विषय में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर संतान योग के विषय में जान सकते हैं। बात करेंगे मीन राशि वाली जो महिलाएं हैं उन्हें वर्ष 2024 के किस महीने में गर्भधारण होगा। ग्रह और गोचर के अनुसार वर्ष 2024 में मार्च का महीना, मार्च के बाद में जो है जुलाई का महीना, जुलाई के बाद में जो है सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, ये महीने आपके गर्भ धारण करने के लिए बहुत ही अच्छे और पावरफुल योग बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ग्रह स्थिति को देखकर मीन राशि वाली जो महिलाएं हैं जो संतान चाहती हैं उन्हें इन महीने में 101% गर्भ धारण हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन उन्हें विशेष कुछ उपाय करने की जरूरत है इन योगों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो वह उपाय क्या है, किस विधि से करना है, इस बात को जानने के लिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और समझ लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, भगवान महाकाल आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। उपाय क्या है, बृहस्पतिवार के दिन, जी हाँ गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का चंदन और हल्दी जल में मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के साथ चना और गुड़, चने की दाल और गुड़ का भगवान को नैवेद्य लगाना है। नैवेद्य लगाने के बाद एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करना है और उसके बाद जो प्रसाद का भोग आपने लगाया है उसी स्थान पर बैठकर पुत्र संतान या पुत्री संतान की कामना करते हुए आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, उस प्रसाद को खा लीजिए। साथ ही साथ आपको एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि आप जब भी गुरुवार के दिन भगवान का पूजन करें तो उस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें, पीले वस्त्र पहनकर ही भगवान का पूजन करें। इससे भगवान की, विष्णु की, देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी और उस कृपा से आपको जरूर ही लाभ मिल जाएगा, जिससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, आपको संतान का सुख मिल जाएगा। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके जाइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहां से जाएं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लाइक जरूर कर लीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।